विद्वानों, थोड़ी सी देर शांति का माहौल तैयार करते हैं। और देखो टाइम कमेटी खूब दे रही है, पर करूं कहा फरूक कमाई पड़ जाए। कोई बात नहीं, मुझे याद आया आप लोगों के बीच में कवि श्रेष्ठ माननीय श्री लखन हवालदार जी बड़का भी विराजमान हैं। एक बार उनके श्री चरणों में भी नमस्कार करते हुए शुरुआत करता हूं। मास्टर जी, आधे टाइम में तो कमेटी बतराए में निकाल दिए। सुनिएगा, देखा सिंघन के सर्प के मुख में उंगली। सुनिएगा साहब, भूत पिशाच, भूत पिशाच, गोल के जहर हला हल पीजे। प्रेमचंद भैया, इतनो करो उत्पात मगर एक कपटी यार से प्रीत न। देखो हम पे तो कोई सूद और सट सौदा है, उल जलूल काम ही ना है, फिर साखी आ रही है तो लाइन की। और कैसे कह रहे साखी मास्टर, आ
धनबाद साहब साहब चालीस एक सौ रुपए का पुरस्कार माननीय लखन हवालदार जी बड़का का झूमर वाले कबीराज रिश्तेदार हैं तेरे कोई बात ना है एक सौ एक रुपया लज्जी राम ताऊ जी दे रहे सुट्याने मारे बहुत बहुत धन्यवाद हम तो यू समझ रहे कि लाली ने कोई देती से कोई बात ना है मैं सिकाऊ को कसर ना रह रहे जाके मोखा में करी सीता और सीता सीता राम सीता राम रे गिरो है कसा खाए के अब देखो 201 100 रुपए का पुरस्कार ले लियो पीछे बाबूलाल जी अजान के मंदिर बारे दे रहे और फिरा रही है दामोदरी रसिया की झलक सुनियो करे दो पैसों पावे दो धर्मवीर जी चार साहब करे गो चेसो पावे गो अरे पावे गो आ रहा हूं साहब ये 51 रुपए का पुरस्कार मीणा गोपाल जी है जी लालपुर बारे दे रहे सुनिए तेरा पल्ला ना है पकड़े बाबा कोई अरे करे सुनिएगा कहां तो ले आऊंगा
अब ध्यान को केंद्रित कीजिए विद्वानों। एक समय महाराज अंध ने संजय मंत्री को अपने पास में बुलाया और बुलाकर के कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर के पास चले जाइए, जाकर के पूछ के आइए कि कल के महाभारत के युद्ध में कौन कौन से योद्धा, कौन कौन से रथी, कौन कौन से महारथी, कौन कौन से पराक्रमी आने वाले। जाकर के प्रणाम किया। गांडीवधारी अर्जुन कह रहे हैं भैया कैसे आए, एक बात बताओ कल के महाभारत के युद्ध में कौन कौन से वीर आवे बारी। गांडीवधारी अर्जुन कह रहा है वीरों की बात बाद में होगी, सुनना, जिकड़ी की तरफ ध्यान रखना, कोई मिलावट कोई उपदेश नहीं करूंगा, सुनना। कह रहे क्या गांडीवधारी अर्जुन, क्या भीष्म द्रोण धृतराष्ट्र भूप से, भीष्म द्रोण धृतराष्ट्र भूप से जाकर कह देना प्रणाम मेरा, अरे किन कुरपंत से कह देना के वीर धनंजय नाम मेरा। जो अरमा है दिल के अंदर, जो अरमा है दिल के अंदर, और वो अंदर ही रह जाएंगे, और जब पांडव शस्त्र उठाएंगे तो कौरव ना बचने पाएंगे। इतनी सी बात गांधीधारी अर्जुन संजय मंत्री को समझा रहे, आप भी सुनना गौर से। साखी अब आ रही है चिकड़ी की मराठी, और क्या कहा मराठी में मास्टर है? Oh,
उन्हीं पैरों वापस हो जाते हैं। और कहां पहुंच गए महाराज? अंध के पास में। 100 रुपए का पुरस्कार नितिन मुदगल जी दे रहे हैं। काम को नाम कौन सा? सुंडियाना वाले, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, पहुंच गए संजय मंत्री। महाराज अंध से कह रहे कि अब मुझको आपके पुत्रों के प्राणों की रक्षा करने वाला कोई नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि श्वेत अश्व पारस के रथ में, श्वेत अश्व पारस के रथ में दिव्य अस्त्र कर धारे और पवन पुत्र का भार ध्वजा पे आके सारथी मुरली भारे ही। कुरपत पे सर होए ना पारथ, कुरपत पे सर होए ना पारथ। अरे वो भीम सेन बलधारी, अरे बाबा अब रुकनी ना है। लड़ाई जरूर होगी और देखो अब झड़ाए रही है जिकड़ी की कैसे होगी। चढ़ में मास्टर कर रो भैया। पांच मिनट को सारो है वो। अब तुम बजाते रहे हो गुरुजी, लास्ट नंबर है। हाँ। क्या कह रहे हैं संजय मंत्री? क्या रण में चौहरा करे ड्रैगन से रथ के ऊपर और जाके रथ के ऊपर सारथ होएगा महान रानी रथ के ऊपर, रथ के ऊपर ढीले से पर रहे का खेल बन गए। हमका तुम तो सौ सौ केन की थोरी कह रहे हैं भाई। हम तो शुद्ध पंडितन में ते दो दो रुपया की कही है पर फिर में घाटो कर रहे। 101 रुपए का पुरस्कार टीका ताऊ जी ऊंच वाले दे रहे। लवानिया जी कोई बात ना है। अरे भीम कदा हाथ साथ की
जब सात समर में आवे लासन के लग जाए, लासन के लग जाए जिकड़ी है रही है कछु मिलमा जलमा चल लो है। ए? ये सूखी धांस है मास्टर। 51 रुपए का पुरस्कार भाई साहब दे रहे गुप्त दान में दे रहे। अरे भीम का दान हाथ जब साथ भीम का दान हाथ समर में बाके साथ देख संग में आवे लासन के लग जाए, लासन के लग जाए, लासन के लग जाए ढेर चाचा पेशन संजय मंत्री महाराज अंधते कह रहे ना है भाई सभा में को बैठे दानवीर कर्ण कर्ण ठाड़ा है गो क्योंकि बाऊ के बदन में छत्री ने कोई खून हो। कह रो महाराज देखो ऐसो मत करो महाराज अंधे डराने की कोशिश मत करो क्योंकि हमारे पास भी वीरों की कोई कमी नहीं है। करके क्रोध करण वे ठाड़ो, करके क्रोध करण वे ठाड़ो, मुख से गिराओ चार्य और कुरुक्षेत्र के बीच करो पंड सुतन की भारी है। लग जाए ढेर, लग जाए ढेर चीलना खामे और जब झुंड के झुंड हनुंगो और सौ मारू एक। जब नए नए छोरे अपने रास्ता पर थे भटकते नजर आवे ना बूढ़े बड़े इनको काम हुए बिन्ने समझाए देखो खट देसी ना भीषम बाबा ठाड़े है गए न्यू कह रहे बेटा करण बड़ी लंबी लंबी फेंक रहे हो आप तो वादना है भूल गो कौन से दना है देखो याद करा रहे बाबा भीषम और तुम गौर करियो अब 12 मास ही आ रही है कौन सदना हो मास्टर। भीष्म कही ललका टाइम पूरो है वो बतायो एक मिनट कोई बात नहीं सुनिए बारहमासी की कह दे गुरु जी ने खुद ही भीष्म कही ललकार वो धनंजय वो पारथ बा कोई लड़वैया। अगर तुम यहीं बैठे तो तुम्हें एहसास है जाएगा कि जिकड़ी ऐसे ही हुए और प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड चल लो हो तो वाको कोई इंतजाम ना है मास्टर। भीष्म कही ललकार और वो धनंजय वो पारथ गाड़ो ही लड़वैया। और तू बहुत बोलो बेटा करण सुनी अरे और बेटा पापे राठ नगर के अरे पापे राठ नगर के और बीच छोड़ा नहीं अर्जुन ने कही
योगेंद्र जी रेटा वाले इनाम दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये 501 रुपए का पुरस्कार ईश्वर सिंह जी 4 साल दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। साहब सुनिए, समर में हो